हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो अभी कॉमनवेल्थ 2022 जो वो गेम पूरी तो खत्म हो चुका है। तो अभी ये जो अभी लिस्ट आप देख रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पे, फाइनल लिस्ट है। तो चलिए एक टैली करके देखते हैं कि कौन से देश ने कितना मेडल जीता है, कितने गोल्ड मेडल, कितने सिल्वर और कितने ब्रॉन्ज जीते हैं। तो पहले नंबर पे है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने 67 गोल्ड मेडल, 57 सिल्वर एंड 54 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, जिसका काउंट हो जाता है 178, जो काफी तगड़ा काउंट है। उसके बाद दूसरे नंबर पे है इंग्लैंड, जिसने 56 गोल्ड मेडल, 65 सिल्वर और 53 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, जिसका काउंट हो जाता है 175। अगर ये अगर थोड़ा और 10 तक अगर गोल्ड मेडल जीते रहते तो ये पहले नंबर पे आ सकते थे, लेकिन इनको जीतने की जरूरत नहीं है, 200 सालों तक हमसे बहुत लूटा है इन्होंने। तो तीसरे नंबर पे है कनाडा, जिसने 26 गोल्ड, 32 सिल्वर और 34 ब्रॉन्ज मेडल जीता है, और जिसका काउंट हो जाता है 92, जो काफी अच्छा काउंट है। और चौथे नंबर पे सब हमारा फेवरेट देश है, जो कि है इंडिया, जिसने 22 गोल्ड मेडल, 16 सिल्वर मेडल और 23 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, जिसका काउंट हो जाता है टोटल 61। तो इस बार इंडिया ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। लास्ट 2 दिन में जो हुआ कि यहाँ पे ये इंडिया 5वें नंबर पे था, लेकिन उसके बाद इंडिया सीधे चौथे नंबर पे आ गया। सीधे 5वें रैंक से इंडिया ने चौथे रैंक पे जम मारा। एक दो गोल्ड मेडल इंडिया ने जीत लिया, इसके वजह से चौथे नंबर पे आ गया, लेकिन ये काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है इस बार इंडिया का। तो जय हिंद जय भारत। 5वें नंबर पे है न्यूजीलैंड, जिसने 20 गोल्ड मेडल, 12 सिल्वर, 17 ब्रॉन्ज और टोटल इसका काउंट हो जाता है 49 मेडल इन्होंने जीता है। उसके बाद है स्कॉटलैंड, जिसने 13 गोल्ड मेडल, 11 सिल्वर और 27 ब्रॉन्ज मेडल जीता है, जिसका काउंट हो जाता है 15। तो अगर अभी यहाँ पे आप चेक करेंगे तो जो मेडल विनिंग है या इसका 51 है, एंड जो 5वें नंबर पे न्यूजीलैंड है इसका 49 है। तो अगर यहाँ पे स्कॉटलैंड के पास जो गोल्ड मेडल है वो कम है और न्यूजीलैंड के पास हो जाता है, अगर सेम सेम गोल्ड मेडल रहता तो स्कॉटलैंड इस बार नंबर 5वें पे हो सकता था, लेकिन फिर भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। उसके बाद है नाइजीरिया। नाइजीरिया ने 12 गोल्ड मेडल, 9 सिल्वर मेडल और 14 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, जिसका काउंट हो जाता है 35। उसके बाद वेल्स है, जिसने 8 गोल्ड मेडल, 6 सिल्वर मेडल और 14 ब्रॉन्ज मेडल जीता है, जिसका काउंट हो जाता है 28। तो वेल्स जो है 8वें स्थान पे है, इसका रैंकिंग भी आप देख सकते हैं, और 8 गोल्ड मेडल जीता है इसने, काफी कोइंसिडेंट है ये। उसके बाद है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका ने 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 11 ब्रॉन्ज मेडल जीता है, जिसका टोटल काउंट हो जाता है 27। और 10वें नंबर पे है नॉर्दर्न आयरलैंड, जिसने 7 गोल्ड मेडल, 7 सिल्वर मेडल और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो अगर यहाँ पे साथ साथ कर दे रहे थे तो काफी अच्छा यूनिक नंबर हो जाता, लेकिन इसने भी अच्छा परफॉर्म किया, टॉप 10 के लिस्ट में है, तो टोटल इसके मेडल हो जाते हैं 18। तो इस बार टॉप 5 में इंडिया का देख सकते हैं हम, यहाँ पे टॉप 5 के ये देश हैं, तो इंडिया यहाँ पे नजर आ रहा है टॉप 5 में आपको, चौथे स्थान पे इंडिया नजर आ रहा है, इसने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। उसके बाद हम देखते हैं कि इंडिया के कौन से गेम्स में क्या क्या कितने मेडल जीते गए हैं। तो वेट लिफ्टिंग में इस बार काफी अच्छा परफॉर्म किया गया है, तो 3 गोल्ड, 3 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज जीता है और टोटल हो जाता है 10 काउंट। तो आप देख सकते हैं वेट लिफ्टिंग में इस बार काफी गोल्ड मेडल हमें मिल रहा है, ये वन ऑफ द मेजर जो सेक्शन है, हमें वहाँ पे गोल्ड मेडल मिला है। दूसरा है जूडो। जूडो में आप देख सकते हैं इससे 2 सिल्वर मेडल जीता है, 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता है, तो इसका काउंट हो जाता है 3। उसके बाद लॉन बॉल में 1 गोल्ड, 1 सिल्वर, टोटल 2 काउंट हो गया है। उसके बाद टेबल टेनिस में काफी अच्छा परफॉर्म किया है, देन बैडमिंटन में 6 टोटल जीता है। उसके बाद अगर मेजरली बात करें तो एथलीट्स ने काफी अच्छा परफॉर्म किया, 8 मेडल जीता है इस बार, 1 गोल्ड, 4 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज। उसके बाद आता है रेसलिंग। रेसलिंग में काफी अच्छा परफॉर्म किया है, देख सकते हैं आप, रेसलिंग में 6 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर मेडल और 5 ब्रॉन्ज मेडल, ये सबसे ज्यादा हाईएस्ट नंबर कैटेगरी है जिसमें इंडिया ने काफी अच्छे मेडल जीते हैं। उसके बाद बॉक्सिंग में 7 मेडल जीता है, पैरा टेबल टेनिस में 22, हॉकी में 2, हॉकी में इस बार टीम इंडिया ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है, एंड क्रिकेट में इस बार तो आप जलवा देख ही चुके होंगे,
टोटल ऐसे इंडिया का हो जाता है टोटल मेडल्स की काउंट 61, जिसमें कंट्रीब्यूशन है 22 गोल्ड मेडल का, 16 सिल्वर मेडल का और 23 ब्रॉन्ज मेडल का। तो इंडिया का ने इस पर काफी हर कैटेगरी में काफी अच्छा परफॉर्म किया है, थोड़ा और इम्प्रूव करने की जरूरत है। तो हम टॉप 3 या टॉप 2 में तो आ ही सकते हैं, इंग्लैंड को वहां से भगा के हम टॉप 2 पे आ जाएंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।